जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है, जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजालाल चिली पाउडर। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। नागपुर में एक सप्ताह का घोषित लॉकडाउन आज सोमवार से शुरू हो गया। स्वयं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण कर जायजा लिया। शहर में प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस बल बंदोबस्त में तैनात है। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाझे ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है, साथ ही कहा है कि NIA ने सिर्फ शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया है, इनमें नियमों का पालन नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मामले में सुनवाई कब होगी। महाराष्ट्र में सत्ताधारी शिवसेना ने इंस्पेक्टर सचिन वाझे की गिरफ्तारी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया है और इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर बताया कि BSP यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। बंगाल में सियासी समर अपने चरम पर है। इस समर को और तेजी देने के लिए BJP की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मैदान में उतरने वाले हैं। इसी हफ्ते बंगाल में PM मोदी की 3 रैलियां होंगी। 18, 21 और 24 मार्च को PM मोदी की रैली होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने एक और इतिहास रच दिया है। वह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने रविवार को अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 में यह उपलब्धि हासिल की है। गोविंदा 90 के दशक के वो एक्टर है जिनकी एक्टिंग और फिल्मों को भुलाया जाना नामुमकिन है। गोविंदा ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और यहाँ मैं भी नेपोटिज्म का शिकार हुआ हूँ। एक वक्त था जब मुझे काम मिलना बंद हो गया था। देश ने लंबे समय तक कोरोना की मार झेली और धीरे धीरे कम होते आंकड़ों से राहत मिली, लेकिन एक बार फिर कोरोना जोर पकड़ रहा है और इससे सबसे अधिक महाराष्ट्र प्रभावित दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र में रविवार को 16,620 नए कोविड मामले सामने आए हैं। ये इस साल का एक दिन सबसे अधिक आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व BJP नेता यशवंत सिन्हा को पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा उन्हें नेशनल वर्किंग कमेटी में भी शामिल किया गया है। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री TMC में शामिल हुए थे। JNU राजद्रोह मामले में कोर्ट ने आज कन्हैया कुमार व अन्य जज के सामने पेश होने के बाद उन्हें आरोप पत्र की कॉपी देने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है। सभी आरोपियों को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कन्हैया कुमार के वकील ने पेशी से छूट की मांग की, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि अभी पेशी से छूट नहीं दी जा सकती है। देश भर में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों का ग्राफ नीचे जाने के बाद एक बार फिर से ऊपर उठ रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने टीम को रात के कर्फ्यू और अन्य चीजों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है। टाटा मोटर्स भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिन्होंने इलेक्ट्रिक यातायात की जगह में सफलता से प्रवेश कर लिया है। कंपनी भारत में नेक्सॉन EV और टिगोर EV जैसी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारें बेचती है और इस समय कंपनी का पूरा ध्यान मालवाहक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेगमेंट को इलेक्ट्रिक बनाने पर है। अब कंपनी का मानना है अब शहरों के भीतर अंतिम सड़क तक पहुंचने के लिए माल पहुंचाने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक करना अगली सफलता हो सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस्लामिक स्टेट IS से जुड़े व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ सोमवार को दिल्ली, केरल और कर्नाटक समेत 10 स्थानों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी की यह रेड 48 घंटे पहले दर्ज हुए एक नए केस से जुड़ा हुआ है। अभिनेता और तमिलनाडु में मक्कल निधि इमयम MNM के प्रमुख कमल हसन की कार पर रविवार को एक युवक ने कथित तौर पर हमला कर दिया। वह हसन की कार की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। हसन कांचीपुरम में चुनाव प्रचार के बाद एक होटल में जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। यह रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रविवार को कहा कि राज्य की जनता TMC भगाओ, भाजपा लाओ, बंगला बचाओ चाहती है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील करते हुए कहा
कि मैंने तो पहले ही चेताया था कि कोरोना संक्रमण देश के लोगों के लिए अभी भी बड़ा खतरा है। 9 विभिन्न बैंक यूनियनों के एकजुट संगठन द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण तथा पीछे ले जाने वाले बैंकिंग सुधारों के खिलाफ 15 तथा 16 मार्च को 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी तथा अधिकारी शामिल होंगे। म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य शासन ने देश के सबसे बड़े शहर यांगून के कई हिस्सों में मार्शल कानून लागू करने की घोषणा की है। यहां प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट अपनी दोस्त रिया खुराना की शादी में शामिल होने के लिए जयपुर गई हुई है। इस शादी में आलिया भट्ट ने अपने दोस्तों के साथ गेंदा फूल जैसे सॉन्ग पर धमाकेदार अंदाज में डांस करती हुई नजर आई। यूट्यूबर लिली सिंह ने ग्रैमी अवार्ड समारोह का इस्तेमाल किसान आंदोलन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। लिली सिंह ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में मैं किसानों के साथ वाला काले रंग का मास्क पहनकर पहुंची थी। तो टॉप 20 की खबरों में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।